हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं प्लेसमेंट ऑफर्स आफ्टर MSc फ्रॉम IITs। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में ये सवाल आता है, सर MSc के बाद क्या क्या ऑफर आती है, अगर मैं IIT से करूँ ये MSc तो क्या बेनिफिशियल है, कहाँ कहाँ मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होती है आपकी टीचिंग वाले फील्ड में, इसके टीचिंग फील्ड, ठीक है। ये एक आपका फील्ड होता है जहां पर आपको काफी अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल जूनियर कॉलेजेस के लिए आप बोल सकते हो, मतलब 10th के बाद आपका जो 11th और 12th होता है इसके लिए आपको क्लासेस को हो या कॉलेजेस को वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑब्वियसली। यस, इसके साथ साथ अगर आपका, मैं कहूँ अगर MSc हो रहा है और उसका आपका नेट या गेट वगैरह भी आपका क्लियर है, यहीं से भी आपको एक अच्छे प्रोफेसरशिप के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल कहीं पर भी कॉलेज में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके आती है, तो टीचिंग फील्ड में आपको एक अच्छे से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जो दूसरी होती है आपकी वो होती है आपकी कुठली, कौन सी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल वर्क। अब ये क्या होता है इंडस्ट्रियल वर्क, जैसे कि आपको पता है फॉर एग्जाम्पल कोई एक फार्मा इंडस्ट्री है, या आप कह सकते हो ऐसे पेंट इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज मतलब आपके मेडिसिनल रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि आप बोल सकते हो लैब वर्क वगैरह, या आप R&D में भी जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में ऑब्वियसली आप कर सकते हो आपका करियर। तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी आते हैं MSc के बाद, उनको भी चाहिए होते भाई बच्चे होशियार और IIT में, तो बिल्कुल आते ही आते कंपनीज ऐसे। अब जो तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपकी PhD। अब PhD हाँ मैं मानता हूँ एक प्रॉपर जॉब नहीं है, बट आपको फेलोशिप तो मिलेगी ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप इस MSc करते करते नेट या गेट आप क्लियर कर लेते हो, या MSc के बाद 6 महीने बाद आप नेट गेट क्लियर कर लेते हो, तो यहाँ से आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी PhD की। अब PhD से आप क्या कर सकते हो, फेलोशिप ले सकते हो और आप PhD करो, तो 4-5 या जितने भी इयर्स का टेन्योर है आपका PhD तो होती रहेगी, और आपको फेलोशिप भी मिलेगी जो भी आपकी CSIR, NTA या गेट की जो फेलोशिप होती है, या रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की भी जो फेलोशिप होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीन होती है चीजें। अब ये पैकेज है सर, ये सारी चीजें वेरी करती है आप किस IITs में हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉप IIT से पास आउट हुए हैं, एक आप टॉप IIT से आप पास हो चुके हैं। अब टॉप IITs मतलब अगर मैं बोलूँ आप IIT मद्रास, या आप कह सको IIT दिल्ली, या आपका IIT बॉम्बे, या और खड़गपुर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर एक टॉप IIT से आप पास आउट होते हो ना, तो 100% आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, और टॉप IITs में हमेशा कंपनीज देखने को मिलती है ज्यादा ज्यादा, बट जो बॉटम IITs है वहां पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है कंपनीज, बट कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आपके ऊपर चीजें डिपेंड है कि आपको जाना कहाँ है, टीचिंग फील्ड में जाना है या इंडस्ट्रियल वर्क में घुसना है आपको, आपको PhD वगैरह में जाना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क में आप देख सकते हो हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वहाँ पर QC के लिए, R&D के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स को लेते हैं IITs से। टीचिंग फील्ड में तो ऑब्वियसली आते ही है, सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो वहां पर आपको नेट या गेट क्लियर लगता है, नहीं तो अगर 11th 12th में जाना है तो MSc के बाद अगर आप IIT से पास आउट हो तो जरूर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थर्ड एक ऑप्शन होता है आपका PhD, अगर कोई एक PhD करना चाहता है यहाँ पर सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली वो फेलोशिप लेकर PhD कर ही सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का एक वीडियो छोटा सा, तो आपको आई होप आपको जानकारी मिली होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैप्पी लर्निंग।